तो ये देखिए, ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी 25,000 पीपल है। ये क्रिकेट स्टेडियम है इंटरनेशनल, लेकिन अभी तक एक भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यहाँ नहीं हुए हैं। आईपीएल होने की भी बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए, पूरा ऊपर रस्ट लग चुकी है, एक पेंट करने तक का इनके पास बजट नहीं है। स्टेडियम इतने करोड़ों का बना के रखे हुए हैं। तो ये है गौला पुल। जब आप हल्द्वानी से गौला पार की तरफ जाएंगे तो इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे नीचे देखिए गौला नदी बह रही है, और उस साइड लेफ्ट साइड में हल्द्वानी शहर दिखाई दे रहा है। और यह है गौला पार वाला एरिया, और अभी मैं हूँ गौला पुल पे। तो ये गौला पुल जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा तो एक राइट साइड को एक रोड जाएगी चोर गलिया की तरफ, इधर को चोर गलिया है, और मैं लेफ्ट को जाऊँगा तो एक काठगोदाम में मिल जाएगी। तो यही बाईपास रोड बन रही है, तो यहीं पर है इंटरनेशनल स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। तो चलिए चलते हैं, पता करते हैं। सुनने में आया है कि वहाँ नेशनल गेम्स होने वाले 2024 इस साल एंड में, तो बाकी डिटेल जानते हैं वहाँ पे। तो ये हाईवे तो ज़बरदस्त बन गया है, तो ये बाईपास रोड है। तो जैसे मान लीजिए कोई बरेली से या फिर दिल्ली साइड से आ रहा है विदाउट हल्द्वानी एंटर करते हुए, उनको नैनीताल जाना है, तो ये बाईपास रोड लेके सीधे काठगोदाम में निकलेगी ये रोड। तो काठगोदाम से भी एंट्री होती है यहाँ पर, और सामने वो देखिए इंटरनेशनल स्टेडियम दिखने लगा है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस साल 2024 के एंड में यहाँ नेशनल गेम्स होने वाले हैं। कुछ पार्ट नेशनल गेम्स एक्चुअली जो इनिशियल सेरेमनी है वो सब देहरादून में होगी, बट सुनने में आया है कि यहाँ पे एंड में कुछ गेम्स होंगे या फिर एंड ही होने वाला है उस नेशनल गेम्स का। ये अच्छी बात है एटलीस्ट, कि काफ़ी सालों से सुनते हुए आ रहा था कि नेशनल गेम्स होने वाले हैं। 10 साल हो गए इस स्टेडियम को बने हुए, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे भूमि कटान भी हो रहा है गौला रिवर की वजह से, धीरे धीरे स्टेडियम खतरे में आ गया है। तो चलिए जानते हैं आगे। तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स हैं, आपको हाई लेवल आइडिया दूँ तो। एक है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और दूसरा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे पार्ट चैनल में। तो इस टाइम पे मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है इंटरनेशनल स्टेडियम, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बुरे हाल है, पूरा जंग खाई हुई है, अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जैसे आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो मिनी स्टेडियम जाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि जब आपको मिनी स्टेडियम में जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए हुए, इतने ऑफिसेज हैं, तो इसका क्या वैल्यू है? तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं मिनी स्टेडियम जाऊँगा और वहाँ जाके आपको और डिटेल दूँगा। और चलिए यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। और 2024 इस साल यहाँ पे नेशनल गेम्स होने की बात चल रही है, देख के लग नहीं रहा है कि यहाँ पर हो पाएगा। काफ़ी बुरा लगता है अपने स्टेट में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है और इतने बुरी हालत से गुजर रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं, उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता, चल रही हैं यहाँ एक्टिविटीज़, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम किस काम का? ये एक्टिविटीज़ तो नॉर्मल स्टेडियम में भी चलती थी, तरणताल तो वहाँ पे भी है मेडिकल कॉलेज के पास में, वहाँ पे भी स्विमिंग होती थी, और प्राइवेट वाले तो बैडमिंटन ये सब कराते ही हैं। तो इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की क्या ज़रूरत है जब आप एक इंटरनेशनल गेम अच्छे से इवेंट नहीं करा पा रहे हैं 10 साल से, पूरा जंग खाया हुआ है। और आपने देखा अभी दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 1 में रस्ट की वजह से कैसे वो स्ट्रक्चर गिर गया था, यहाँ पर भी रिस्क लग रहा है, मैं जूम करके अभी आपको दिखाऊंगा। और चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस कैंपस को। तो यह है गेट नंबर 1, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो इसमें अंदर इंडोर गेम्स के लिए भी है, स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इंडोर गेम, जो भी है इंडोर गेम्स वो फैसिलिटीज़ हैं। और सामने जो आपको दिख रहा है, यह इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसकी कैपेसिटी है 25,000। तो 25,000 लोग यहाँ मैच देख सकते हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि देखिए 10 साल हो गए स्टेडियम को बने हुए, एक भी इंटरनेशनल मैच ही अभी तक नहीं करा पाया है। कहाँ हमने सुना था आईपीएल होगा, ये होगा, लेकिन 10 साल से कुछ भी यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई है, और पूरा जंग खा चुका है। अभी मैं आगे आपको गेट, दूसरे गेट से जूम करके दिखाऊंगा, बुरी हालत हो चुकी है इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की। 2020 में इसको कोविड सेंटर बनाया हुआ था, मुझे याद है, मैं यहाँ पर कोविड के फॉर्म सबमिट करने आया था, उस समय भी इसकी हालत बहुत बुरी थी। अंदर तो बहुत ही, क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत रिस्की है ये, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर नेशनल गेम्स ये लोग करा पाएंगे। अगर नेशनल गेम्स यहाँ होने हैं तो इनको तुरंत ये चीज़ें सही करनी होंगी, नहीं तो आपको पता ही है कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो गेट नंबर 1 था, टर्मिनल 1 था, वहाँ का आपने देखा होगा कि जो बाहर का स्ट्रक्चर था वो गिर गया था, क्योंकि उसमें रस्ट लगी हुई थी। तो ये रस्ट इतना डेंजर होता है। तो ये देखिए सामने, तो ये हालत है इस बिल्डिंग की।
आप बताइए किसी एंगल से आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लग रहा है, लग रहा है तो मुझे बताइए। अब यहाँ पे पता नहीं बेड लगे हुए हैं, यहीं स्टाफ वगैरह रहता है, क्या रहता है, कोई है नहीं यहाँ पे। अंदर मुझे कुछ बच्चे आते हुए दिखाई दिए तो मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और गेट में एक सर ने भी मुझे बताया कि जो मिनी स्टेडियम है वहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए। वो चलो वो चीज़ ठीक है, इंडोर उसके लिए तो एक छोटा हल्द्वानी में आप प्राइवेट में कहीं भी कर सकते हैं इंडोर एक्टिविटी। उसके लिए इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने के बाद इसकी क्या वैल्यू है देखिए। और मैंने जैसे आपको एक शॉर्ट में भी दिखाया था, पीछे गौला नदी है, तो गौला नदी के कटान से तो वैसे ही रिस्क में आ गया है। तो अभी आप न्यूज़ भी देख लीजिए, नेशनल गेम्स उत्तराखंड, तो हल्द्वानी में भी कुछ गेम्स होंगे बोला जा रहा है, एंडिंग सेरेमनी होगी जो भी होगी। लेकिन आपको लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये रेडी हो पाएगा? अगर इसको रेडी करना है, मुझे लगता है कि कोई भी इंस्पेक्शन के लिए आएगा पहले में इसको फेल कर देगा। आप देखिए, अरे टेम्परेरी जुगाड़ करके इस पर पेंट भी कर देना, फिर भी ये रिस्क में है। देखिए पूरे पिल्ला, इसको टाइम टाइम पे हर एक दो साल में पेंट करके इसकी कंडीशन अच्छी करनी चाहिए थी। और सामने गेट नंबर टू, वो जो क्रेन दिख रही है उसके पास गेट नंबर टू है, तो वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे सर लोग थे, तो मुझे लगा कि सही नहीं है वीडियो बनाना। लेकिन उनसे इन्फॉर्मेशन ली मैंने, तो बोले थे कि एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, आपको मिनी स्टेडियम जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा मिनी स्टेडियम, वहाँ का भी वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा। वहाँ की भी हालत ख़राब हो रखी है, 6 महीने से वहाँ पर एक फुटबॉल स्टेडियम का काम चल रहा है और अंदर अलाउ भी नहीं कर रहे हैं जाना। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तो ये हाल है देखिए हमारे इंटरनेशनल स्टेडियम का। बुरा लगता है क्योंकि जब लोग बाहर पूछते हैं कि अच्छा आप तुम्हारे स्टेट में भी इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो हाँ लगता था कभी आईपीएल होगा, हम भी मैच देखने आएंगे यहाँ पे, है ना। देखिए कितना खूबसूरत है वैसे देखा जाए तो, पीछे पहाड़ हैं, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर इंटरनेशनल गेम्स होते तो। लेकिन नहीं, अभी भी सरकार के पास टाइम है, इस पर तुरंत एक्शन ले और अपने स्टेट का नाम रोशन करे तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने बोला ना इंडोर कुछ गेम्स चलते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या है वही मिनी स्टेडियम जाके मैं आपको बताऊंगा। आपको जूम करके दिखाता हूँ, पूरी जंग लग चुकी है। ये देखिए ऊपर, ये दिख रहा है पोल आपको, ये पूरी जंग लगी हुई है इनमें। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा स्टेडियम एक ऑफिस नहीं बनाया हुआ है, इसके लिए वहाँ फॉर्म भरो बोल रहे मिनी स्टेडियम में, जो कि हल्द्वानी में है शहर में। तो मैं भी ट्राई करूंगा, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रोसेस ऐसा हो। लेकिन आप ये स्टेडियम की हालत देखिए, क्या यार नेशनल गेम्स आपको लग रहा है कि साल के एंड तक होंगे? ये जब से बना है ना 10 साल से, इसको कुछ भी इन लोगों ने चेंजेस नहीं किया, अंदर पता नहीं क्या ही हालत हो रही होगी इसकी। तो जब ऊपर रस्ट है, तो देखिए इसी से हादसा होता है, अगर ये रस्ट नहीं निकालेंगे तो ये कभी गिर भी सकता है, तो बहुत डेंजर है। और यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर भी दिख रहा होगा, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आजकल हेली सर्विस चल रही है, तो अगर आप हेली सर्विस लेना चाहें तो ये किराए हैं हल्द्वानी से चंपावत 2500 रुपये, GST एक्स्ट्रा, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ 3500, हल्द्वानी से मुंशारी 4000, ये किराया है प्लस GST एक्स्ट्रा लगेगा। 2 उड़ानें प्रतिदिन है, 7 सीटर हेलीकॉप्टर है। तो ये भैया लोग बता रहे थे कि डेली चल रही है सर्विस दिन में, तो ये यहाँ पर देखिए ये स्टेडियम से ही सर्विस स्टार्ट होती है पहाड़ों के लिए। लेकिन स्टेडियम की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट कीजिएगा। और जो मैं पिछला गेट आपको दिखा रहा था, गेट नंबर 1, तो वहाँ पे भी मुझे छोटे भाई लोग मिले, बोल रहे हैं कि बड़े एक्साइटेड थे कि स्टेडियम बनेगा यहाँ पे, हम जाएंगे। लेकिन देखिए कि बहुत ही मुश्किल है अंडर एंट्री लेना। जो भी आपके कमेंट्स हैं आप लिख सकते हैं, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं निकाल के दे सकता हूँ। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि आप ये स्टेडियम में इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए आ सकते हैं, उसके लिए आपको मिनी स्टेडियम जो हल्द्वानी शहर में है वहाँ जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ जाके आपको प्रोसेस समझाऊंगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप भी हल्द्वानी के आसपास एरिया है तो आके इस स्टेडियम को एक्सपोज कीजिए और जल्दी जल्दी ये यहाँ पे IPL स्टार्ट हो, अच्छे अच्छे गेम्स हो और हमारे स्टेट का नाम आगे जाए, तो यही दुआ करते हैं। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। बाय।